हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सत्यम पांडे, आपका मेरे चैनल करंट एचडी पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको 9 अप्रैल 2019 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज 9 अप्रैल 2019 करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, शोधकर्ताओं की एक टीम भारत के किस राज्य में मकड़ी की नई प्रजाति खोजी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, केरल। शोधकर्ताओं की एक टीम भारत के केरल राज्य में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी है। केरल के एर्नाकुलम में मौजूद एलीथोडू जंगलों में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोज की गई है। यह मकड़ियां हाइब्रोसिस्टम जीनस से जुड़ी एक नई प्रजाति है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस देश के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की प्रमुख क्रिस्टियन नीलसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की प्रमुख क्रिस्टियन नीलसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है। अगला दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए किस पॉलिटिकल पार्टी ने हाल ही में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, भाजपा। लोकसभा चुनाव के लिए हाल ही में भाजपा पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर फोकस करते हुए 75 संकल्पों को रखा गया है, जिसे संकल्पित भारत और सशक्त भारत नाम दिया है। तो दोस्तों, इसको क्या नाम दिया गया? संकल्पित भारत और सशक्त भारत नाम दिया गया है, तथा 75 संकल्पों को ध्यान में रखा गया है। अगला दोस्तों, दुनिया के नंबर वन घुड़सवार स्टीव ग्वेरडाट ने हाल ही में कौन सी बार FEI जंपिंग वर्ल्ड कप जीता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका तीसरी बार। दुनिया के नंबर वन घुड़सवार स्टीव ग्वेरडाट ने हाल ही में तीसरी बार FEI जंपिंग वर्ल्ड कप जीता है। स्विट्जरलैंड के स्टीव ग्वेरडाट ने 2015 में और 2016 में यह खिताब जीता था। वे तीन बार चैंपियन बनने वाले दुनिया के पांचवें घुड़सवार हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया के नंबर वन घुड़सवार कौन है इस समय? स्टीव ग्वेरडाट। अगला दोस्तों, अमेरिका की किस टेनिस खिलाड़ी ने पहली बार चार्ल्सटन ओपन का खिताब जीता है? दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, मेडिसन कीज। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी मेडिसन कीज ने हाल ही में पहली बार चार्ल्सटन ओपन का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की कैरिलिना वोजनियाकी को 7-6, 6-3 से हराया है। तो दोस्तों, कौन जीती है? मेडिसन कीज। ये अमेरिका की है दोस्तों, टेनिस खिलाड़ी। अगला दोस्तों, कोरियन एयर के चेयरमैन और सीईओ चो यांग हो का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? 70 वर्ष। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 70 वर्ष। कोरियन एयर के चेयरमैन और सीईओ चो यांग को हो का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे वर्ष 1999 में चेयरमैन और सीईओ बने थे और कोरियन एयर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एयरलाइन बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, इनका मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हो गया। कोरियन एयर के चेयरमैन और सीईओ चो यांग हो का। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष मिशन हायाबुसा 2 ने स्टार्ट राइड पर सफलतापूर्वक विस्फोटक गिराया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, जाक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने अंतरिक्ष मिशन हायाबुसा 2 ने एस्टेरॉयड पर सफलतापूर्वक विस्फोटक गिराया है। विस्फोटक गिराने का उद्देश्य एस्टेरॉयड पर क्रेटर का निर्माण करना है और मलबे को एकत्रित करके पृथ्वी के निर्माण के रहस्यों का पता लगाना है। अगला दोस्तों, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, PV सिंधु। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। PV सिंधु को चीन में खेले गए BWF
वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों कौन किसको सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका पीवी सिंधु। अगला दोस्तों, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स और इंडियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए नीरज चोपड़ा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा जी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के कारण इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको दोस्तों, नीरज चोपड़ा। अगला दोस्तों, भारत के किस राज्य में ऐतिहासिक लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध की प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी मणिपुर। भारत के मणिपुर राज्य के कंगला टोगबी में हुए भीषण युद्ध की याद में ऐतिहासिक लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध की प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक्स।